नमस्ते बच्चों, टेंथ क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम न्यू लेसन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, लेसन नंबर 4। तो बच्चों, आपको पता है कार्बन क्या है, ये किस क्रमांक का होता है, परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, और ये कार्बन अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं। क्या हम बिना कार्बन की वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हम बिना कार्बन की वस्तुओं का उपयोग नहीं करते। यानी प्रत्येक वस्तु में कार्बन विद्यमान होता है, वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे कि हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो दिन की शुरुआत में आप जो भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर टूथपेस्ट हैं, साबुन हैं, ब्रेड हैं, दूध हैं, पेंसिल हैं, इसके अलावा और भी जो वस्तु हैं, जूते, चप्पल, बैग, जो भी आप अपने घर में उपयोग में लेते हैं, वस्त्र वगैरह, क्या आप इन सभी चीज़ों में कोई सादा पदार्थ या कोई साज गुण बता सकते हैं? तो हम कहेंगे कि इन सभी जो पदार्थ हैं, ये सब जो हैं कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु में कार्बन विद्यमान होता है, वह किसी न किसी अवस्था में ज़रूर पाया जाता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन की अगर चर्चा करते हैं हम अपने, तो हम आप देखते हैं जब जितने भी खाद्यान्न वस्तु हैं, जितने भी फल फ्रूट हैं, सब में वह विद्यमान होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कार्बन के यौगिक से मिलकर बनी हैं। कार्बन दुनिया का चौथे स्थान पर मिलने वाला खनिज पदार्थ है, यानी विश्व में जो है यहाँ पर चौथे पदार्थ के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में मिलने वाला 15वां पदार्थ है कौन? कार्बन। तो कार्बन एक प्रकार से जो है ये 15वें रूप, यानी यहाँ पर जो है ये पदार्थ के रूप में विद्यमान हैं, और इसी की हम यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो है कार्बन उपस्थित होता है। 15वां स्थान तो है सही, लेकिन यहाँ पर हम कार्बन की इस भूपट में देखते हैं तो 0.18% अवस्था के रूप में कार्बन पाया जाता है। ये कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि रूप में भी कार्बन पाया जाता है। वायुमंडल की हम बात करते हैं तो कार्बन जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है, और ये जो है 0.03% रूप में उपस्थित होता है, और जितने भी पादप हैं ये सब का उपयोग करता है। अन्य रूप की हम बात करते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, जिसका भी अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग करते हैं। कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है 6 होती हैं। इसके नाभिक में, यानी हम बात करते हैं इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, इसके हम चर्चा करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स में पाए जाते हैं, और इसके बाह्यतम कोश की हम बात करेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंतिम कोश जो हैं आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और 4 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी हम कह सकते हैं जो कार्बन परमाणु हैं ये अपने, यहाँ पर हम बात करेंगे अगर बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसकी स्थिति हीलियम जैसे परमाणु की तरह हो जाती है, क्योंकि कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी स्थिति नियोन जैसे हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं बाह्यतम कोश में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 2 आंतरिक की ओर। तो बच्चों, अब हम कार्बन के परमाणु अंक, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, सहसंयोजक बंधन और सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी जो कार्बन है वो किस प्रकार से विद्यमान होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, बंधन किस प्रकार से निर्माण करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो कार्बन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बता चुके हैं, इसका संख्या जो है 6 होती है, यानी कार्बन परमाणु जो है संख्या 6 पे विद्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के देखते हैं तो 2 और 4, इसके बाह्यतम कोश में जो है एल कोश होता है, आंतरिक कोश के कोश पाया जाता है।
के कोश में आप देख रहे हैं बिंदु के रूप में दो इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहे हैं, और बाह्यतम कोश जो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें होता है यानी चार इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ना इसके आंतरिक भाग की हम बात करेंगे तो छः प्रोटॉन और छः न्यूट्रॉन इसमें विद्यमान होते हैं। अगर ये चार इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चित्र में, तो ग्रीन डॉट में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये चार इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया है, और ग्रहण करने पर हम कह सकते हैं इसमें आंतरिक जो के कोश इसमें दो इलेक्ट्रॉन और एल कोश में आठ इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो इसका मतलब है कि इसने एक प्रकार से क्या किया, नियोन को जो है परमाणु हैं उसकी संख्या इसने प्राप्त कर ली। तो इसमें एक प्रकार से क्या होता है, अंतराकर्षण बल अधिक होता है। यहाँ पर सी माइनस में होता है, चार इलेक्ट्रॉन से ग्रहण किया है तो लेने वाला ऋणायन कहलाता है, और ये चार इलेक्ट्रॉन को लेने पर इसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये जो है चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, लेकिन ये ग्रहण करना इसके संभव नहीं है, यानी इसके मतलब जो है कैपेसिटी नहीं होती है, किसकी, कार्बन परमाणुओं की। ठीक उसी प्रकार से हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है चार इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता है, लेकिन चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, तो हम देख रहे हैं चार इलेक्ट्रॉन देने पर के कोश में दो इलेक्ट्रॉन और एल कोश पूरी तरह से खाली हो जाता है, और ये भी संभव नहीं होता है क्योंकि ये चार इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं सकता और चार इलेक्ट्रॉन को ले भी नहीं सकता है। इसलिए ये कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ यौगिक या तत्व का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप हम कार्बन को अलग अलग अवस्थाओं में प्रकृति में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है कि कार्बन परमाणु किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो ये धनायन और ऋणायन का निर्माण नहीं कर सकता। बच्चों हम देखते हैं कार्बन अपने दूसरे परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को साझा कर के अपनी समस्या सुलझा लेता है। कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक क्यों कहा गया है, क्योंकि कार्बन जो है वह एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंध के माध्यम से जुड़ा रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन डॉट जो है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, यानी यहाँ पर जो है ये साझेदारी करता है और अपने विन्यास को पूर्ण कर लेता है। तो इसमें देख रहे हैं आप रेड डॉट किस प्रकार से कार्बन दूसरे परमाणु से यहाँ पर आबंध बनाकर ये जो है दूसरे यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से साझेदारी कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जितने इलेक्ट्रॉन की यह साझेदारी करता है उतने ही यहाँ पर आबंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंध, इनका जो है गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करते हैं तो बहुत इसका जो है आयनिक यौगिक अपेक्षा कम होता है। कार्बन परमाणु है, अब बात करेंगे इस श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि ये जो है एक कार्बन कार्बन मिलकर ये श्रृंखलाओं का श्रृंखलन का निर्माण करता है। अलग अलग रूप में ये विद्यमान होते श्रृंखला, ये वलय रूप में हो सकती हैं या फिर एक रिंग के रूप में ये जो है कार्बन परमाणु का निर्माण करती हैं। जिसे हम यहाँ पर बात करेंगे कार्बन एकल बंध से या कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रि आबंध उपस्थित हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है तो वह संतृप्त यौगिक कहलाता है, और जिन कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध होता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में तो जिसके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो संतृप्त यौगिक, और जिनके मध्य द्वि या त्रिआबंध हैं वह असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं
संतृप्त और असंतृप्त यौगिक के रूप में यहाँ पर काव्य प्रमाणों की श्रृंखला दे रखी है। और इस काव्य श्रृंखला में आप देख सबसे लंबी काव्य श्रृंखला का यहाँ पर जब नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी काव्य श्रृंखला का उपयोग करते हैं। तो इस चित्र में आप जितने भी काव्य परमाणु आप उसमें मिलेंगे वो उतने ही श्रृंखला का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में बताया गया है मेथेन है, प्रोपेन है ये, और ब्यूटेन है, ये सब जो है काव्य श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। तो प्रोपेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, पेंटेन, हेक्जेन, एलियन, जितने जितने काव्य परमाणु संख्या बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका नाम भी परिवर्तित हो जाता है। वलय के रूप में यहाँ पर ये पाए जाते हैं और वलय के रूप में भी ये यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पर है बेंजीन, तो C6H6 में दे रखा है और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल द्विबंध का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो संतृप्त और असंतृप्त में तो बच्चों में यहाँ पर इनके एक एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। तो जैसे एथेन, एथीन, एथाइन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे एथेन है तो कार्बन कार्बन के मध्य जो है यहाँ पर ये संतृप्त यौगिक हैं, इनके मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। तो ये दो कार्बन हैं, इन दो कार्बन के मध्य आपस में जुड़ेंगे, एकल बंध का निर्माण करते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन है वो भी इसमें से जहाँ पर क्रॉस के चिन्ह दे रखे हैं वो उनसे जुड़ते हैं। और C2H6 यानी H कितने यहाँ पर 6 हैं, तो ये देख रहे हैं आप 3 दाएं तरफ 3 बाएं तरफ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और C2H6 का ये निर्माण करते हैं और ये श्रृंखला क्या कहलाती है, एथेन कहलाती है। इनके मध्य एकल बंध उपस्थित होता है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य। हम बात करेंगे एथीन की C2H4, देखो यहाँ पर जो है कार्बन की संख्या सेम हुई है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या एक प्रकार से कम हो चुकी है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन संख्या कम हुई है, इसका मतलब क्या है, इसके कार्बन के मध्य यहाँ पर द्विआबंध का निर्माण हो जाता है और C2 यानी यहाँ पर दो कार्बन दे रखा है, H4 चार हाइड्रोजन दे रखा है। लेकिन इस श्रृंखला में आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध से बंधे हुए हैं जबकि कार्बन हाइड्रोजन मध्य वह सभी एकल आबंध से बंधे हुए हैं, तो इसलिए C2H4। अब बात कर देंगे C2H2 की। देखो हम यहाँ पर एथेन, एथीन, एथाइन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर इसमें C2H2 का यहाँ पर अंतर आ रहा है, जैसे C2H6, C2H4, C2H2, तो CH2 का यहाँ पर अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं एकल बंध से बंधे हुए श्रृंखला कौन सी हैं, द्विबंध से बंधे हुए श्रृंखला कौन सी हैं, उत्तरी आबंध से बंधे हुए श्रृंखला कौन सी हैं। तो एकल बंध से बंधे हुए श्रृंखला संतृप्त यौगिक कहलाते हैं और संतृप्त यौगिक के रूप में यहाँ पर एथेन उपस्थित होता है। द्विआबंध से उपस्थित यौगिक एक प्रकार से और त्रिआबंध से उपस्थित यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं और असंतृप्त यौगिक के रूप में एथीन और एथाइन परमाणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ये सब मिलकर यहाँ पर जो है ये काव्य श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके एथेन, एथीन, एथाइन यानी संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में चर्चा करी है, यानी काव्य किस प्रकार से एथेन, एथीन, एथाइन का निर्माण करते हैं, इनके मध्य किस प्रकार से आबंध होते हैं। बच्चों फिर हम आगे बात करेंगे इसमें कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, हम इसके अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।